देखिए, हमले वाली जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और लगातार पैनी नजर वहां पे बनी हुई है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बारामूला जिले के उस जगह पर जहां पर गुलमर्ग जाने का रास्ता जो है उसकी शुरुआत हो जाती है, और यहां से तकरीबन 14 किलोमीटर दूरी पर ही वो जगह है जहां पर कल आतंकियों की तरफ से अटैक किया गया था, सेना के वाहन पर अटैक किया गया था जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे जबकि 2 सिविलियन पोर्टल जिनकी जान चली गई थी। और इसके बाद से ही पूरे इलाके को यहाँ पर देखिए सील कर दिया गया है। लगातार यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन जहाँ पर कल घटना घटी थी, जहाँ पर अटैक हुआ था, वहाँ पर लगातार ऑपरेशन जो है वो जारी है और लगातार जो सेना के बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और लगातार निगरानी बनाए हुए हैं कि आखिर किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से अटैक किया गया सेना के वाहन पर, इसके बाद से ही लगातार यहां पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। ये अमूमन देखिए गुलमर्ग की अगर हम बात करें, अमूमन ये वो जगह है जो शांति वाली जगह कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ हैं या फिर अगर हम कहें यहाँ पर कम ऐसे माहौल जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से अटैक हुआ सेना के वाहन पर, इसके बाद से ही पूरे एरिया को जो है सील कर दिया गया है और लगातार इस एरिया में देखिए एक एक वाहन को यहां पर पहले पूछताछ की जाती है, चेकिंग की जाती है, इसके बाद जो है आगे बढ़ने दिया जाता है क्योंकि यहां से किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि आपको ये बता दें गुलमर्ग वो जगह है जहां पर दूर दराज से जो पर्यटक हैं, जो टूरिस्ट हैं यहां पर पहुंचते हैं, जो नेचर लवर हैं वो यहां पर वादियों का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं और ये शांति वाली जगह कही जाती थी। लेकिन जिस तरीके से कल अटैक हुआ इसके बाद से ही लोग जो हैं वो काफी सहमे हुए भी हैं, डरे हुए भी हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार मुस्तैदी यहां पर देखने को मिल रही है। खबरें ये मिल रही है कि 2 से 3 आतंकी हैं जो अभी जंगलों में छिपे हुए हैं, उन तक पहुंचने की लगातार कोशिश हो रही है, उन्हें मार गिराने को लेकर तमाम कोशिशें जारी है। और लेकिन जिस तरीके से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल के अटैक के बाद यहाँ पर सुरक्षा किस तरीके से चाक चौबंद की गई है। हम एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ जो है लगातार उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 18 अक्टूबर को जिस तरीके से अटैक हुआ, इसके बाद हम 20 अक्टूबर की बात करें तो गांधरबल में 7 लोगों की जान चली गई है आतंकवादियों। और इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, गुलमर्ग आतंकी हमले पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, गुलमर्ग आतंकी हमले के पीछे जैश का हाथ है और इसके अलावा 3 से 4 आतंकियों ने हमला किया था। सड़क किनारे छिपकर ये बैठे हुए थे, घात लगाकर यहां बैठे हुए थे और इसके बाद मौका पाते ही हमला किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिल रही है, गुलमर्ग आतंकी हमले के पीछे जैश का हाथ सामने आ रहा है। और देखिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से आतंकी हमला करके सबसे बड़ी गलती कर दी है। आतंकियों ने गुलमर्ग में भारतीय सेना की गाड़ी पर गोलियां बरसाकर 2 जवानों को शहीद कर दिया, लेकिन आतंकी भूल गए कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। इस गलती के बाद अब वो तो क्या सरहद पार पाकिस्तान में बैठे उनके आका भी नहीं बच पाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और आतंकियों की मौत भी उन्हें पाकिस्तान से हिंदुस्तान खींच लाई है। गुरुवार को आतंकियों ने गुलमर्ग में भारतीय सेना के वाहन पर गोलियां बरसाकर इतनी बड़ी गलती कर दी है कि इस बार वो तो क्या पाकिस्तान में बैठे उसके आका भी नहीं बच सकेंगे, क्योंकि इस आतंकी हमले से भारतीय सेना गुस्से में है और सेना ने आतंकियों का पूरा हिसाब किताब तैयार कर लिया है। आतंकियों को कैसे मारा जाएगा, कहां मारा जाएगा और किस खतरनाक हथियार से मारा जाएगा, इसका पूरा प्लान रेडी है। सेना अपने जवानों की शहादत का बदला कब लेगी, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आतंकियों ने कैसे गुरुवार को भारतीय सेना पर घात लगाकर हमला किया। दरअसल आतंकियों ने निहत्थे जवानों को उस वक्त निशाना बनाया जब गुलमर्ग के नागिन इलाके से भारतीय सेना का काफिला जा रहा था। तभी वहां छिपे आतंकियों ने जवानों को चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसा दी। जब तक जवान कुछ समझ पाए और हथियार उठाकर आतंकियों को ललकारते, आतंकी हमेशा की तरह पीठ दिखाकर भाग गए और सेना का सामना करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए।
लेकिन अचानक हुए इस हमले में दो जवान शहीद हो गए, जबकि दो पोर्टर भी अपनी जान गंवा बैठे। दरअसल पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं और वो पहाड़ी इलाकों में सामान पहुंचाने में सेना की मदद करते हैं। अचानक हुए इस हमले से पूरा कश्मीर दहल गया है। बताया जा रहा है कि 3 से ज्यादा आतंकी थे जिन्होंने सेना पर हमला किया, जिसके बाद अब गुलमर्ग में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सुरक्षा बल के जवान सबसे खतरनाक हथियार लेकर उसी इलाके में पहुंच चुके हैं जहां आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों की तलाश शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना रोज रोज के आतंकी हमले से इतने गुस्से में है, इस बार तो वो गुलमर्ग में पर्यटकों की आवाजाही तक रोक दी गई है, जिसका सीधा मतलब है कि इस बार आमने सामने का मुकाबला होगा और सेना आतंकियों की मौत की नींद सुलाकर ही दम लेगी। गुलमर्ग में यहां पर आर्मी के एक वाहन पर गोलियां चलाई, जिसमें अभी तक जो है 4 लोगों की जो मौत हुई है और कॉर्डनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि जैश मोहम्मद का जो आउटफिट पफ है वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस अटैक की। कुल मिलाकर जो भी अभी ऑपरेशन चल रहा है, हालाँकि लाइन ऑफ कंट्रोल के जितने भी एरियाज हैं उनको अभी हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वहां से LOC केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों ने उत्तरी कश्मीर के पोटा पथरी सेक्टर से घुसपैठ की होगी, लेकिन इस बार आतंकी किसी कीमत में बख्शे नहीं जाएंगे, वो बचेंगे नहीं। जिस तरह के हालात इन दिनों कश्मीर में बन रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि कश्मीर के आतंकी तो क्या, अब पाकिस्तान में बैठे आतंकी भी नहीं बचने वाले, क्योंकि आतंक पर लगाम लगाने के लिए सेना कुछ भी करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ग्राउंड जीरो से पुनीता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। पुनीता, आतंकियों ने एक बार फिर से आतंकी हमला गुलमर्ग में किया है, सेना का सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, इस समय क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए शिखा, अपडेट यही है कि लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 सिविलियन पोर्टर जो है उनकी जान चले गई। इसके बाद हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर, ये वो जगह है जहाँ से गुलमर्ग जाने का जो रास्ता है उसकी शुरुआत हो जाती है, और यहाँ से 14 किलोमीटर का वो रास्ता है जहाँ पर घटना घटी थी, जहाँ पर आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और साथ ही साथ हर एक चीज़ पर नज़र रखी जा रही है, यानी कि इस रास्ते से जो भी वाहन गुजर रहे हैं उनसे पहले पूछताछ होती है, वाहनों की चेकिंग होती है, इसके बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी जाती है। और लगातार हम जिस तरीके से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां से लोग जो है, यानी कि देश विदेश से लोग यहां पर नेचर का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं, और यहां पर आतंकी गतिविधियां जो है ना के बराबर देखने को मिलती है। लेकिन कल जिस तरीके से आतंकियों की तरफ से दहशत फैलाने का काम किया गया, इसके बाद अब सुरक्षा बल हो या बना के रखे और लगातार हमें अपडेट्स दे, और जिस तरीके से आतंकियों के जो ये मंसूबे हैं ये साफ नजर आ रखे हैं। आपको बात बता दी जा, देखिए किस तरीके से आज फिर से ये तस्वीर सामने आई है। अब लगातार ये कहा जा रहा है कि इसका बदला लेना होगा, और लगातार जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर के अब सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है, सख्ती बरतने की जरूरत है।